दोस्तों क्या आप जानते हैं आर्मी में महिला के साथ क्या क्या होता है और महिला आर्मी के मेडिकल टेस्ट में उनके प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डालकर क्या चेक किया जाता है। महिलाओं के मेडिकल टेस्ट को लेकर कई सारे सवाल लोगों के जहन में उठते हैं कि क्या लड़कों की तरह ही लड़कियों का भी मेडिकल टेस्ट खुल्लम खुल्ला होता है या पुरुषों की तरह उन्हें भी अपने हर एक निजी अंगों की जांच करवानी पड़ती है और अगर हाँ तो इसे कौन करता है, कोई महिला या फिर पुरुष। आइए जानते हैं ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों देश की सशक्त सेना बल में जाने के लिए जोश और जज्बे के साथ साथ फिटनेस का भी काफी अहम महत्व होता है। यहाँ शामिल होने के लिए शरीर के हर एक अंग का बकायदा मेडिकल टेस्ट होता है, वो भी कपड़े उतार कर। यहाँ आपका ये जानना जरूरी होता है कि मेडिकल टेस्ट से पहले महिलाओं का फिजिकल टेस्ट होता है, इसके आधार पर वो इस कड़ी तक पहुँचती है। तो दोस्तों फिजिकल टेस्ट जिसमें महिलाओं को रनिंग, हाई जंप और लॉन्ग जंप जैसे तमाम चरणों को सीमित समय में पार करना पड़ता है और फिर बारी आती है हाइट और मेजरमेंट की। वेल, हाइट की बारी की नापने के बाद ही महिलाओं को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है और मेडिकल टेस्ट के लिए आगे भेजा जाता है और मेडिकल टेस्ट इस सारे सफर का अंतिम टेस्ट होता है। उसमें महिलाओं के हर एक अंग की बारीकी से जांच होती है, वो भी निर्वस्त करके। हालांकि इन सारी जांचों में क्या क्या होता है और इसे कौन करता है, यह आप आगे देखने वाले। मेडिकल टेस्ट की इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले बारी आती है प्रेगनेंसी टेस्ट की। दोस्तों सिर्फ इंडिया में ही नहीं, दुनिया भर में महिलाओं को आर्मी में भर्ती करने के लिए सबसे पहले उनका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और अगर गलती से भी कोई महिला प्रेग्नेंट पाई जाती है तो उसे तुरंत बाहर का रास्ता दिखाई दिया जाता है। वेल, उनका ऐसा करने के पीछे का कारण टफ ट्रेनिंग भी होती है जिसमें माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में इस टेस्ट में लड़कियों को अल्ट्रासाउंड मशीन के नीचे रखा जाता है और उनकी यूरिन की जांच भी होती है और फिर अन्य जांचों के बाद जब मेडिकल ऑफिसर को ये साफ मालूम पड़ जाता है कि कैंडिडेट प्रेग्नेंट नहीं है तभी उन्हें अगले टेस्ट के लिए आगे भेज देते हैं। ब्रेस्ट टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद मिलिट्री के डॉक्टर लड़कियों के दोनों ब्रेस्ट को बराबर चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि कहीं कैंडिडेट के ब्रेस्ट में कोई गांठ या फिर कैंसर की शिकायत तो नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग काफी उतार चढ़ाव से गुजरती है, यहाँ पर इसकी छोटी सी छोटी बीमारी भी महिलाओं की राह पर अड़चन डाल सकती है। इसके अलावा महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज भी काफी मायने रखता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन महिलाओं के ब्रेस्ट का साइज काफी बड़ा होता है वो आम महिलाओं के मुकाबले कम स्फूर्तीली होती है और उन्हें भागने दौड़ने जैसे तमाम फिजिकल एक्सरसाइज में प्रॉब्लम होती है। पाइल्स चेकअप टेस्ट। पुरुषों की तरह महिलाओं का भी पाइल्स टेस्ट होता है जिसमें महिलाओं को आगे की तरफ झुककर खांसना पड़ता है। इस टेस्ट के दौरान डॉक्टर गुदा द्वार को टेस्ट करते हैं कि कहीं कैंडिडेट को पाइल्स यानी कि बवासीर तो नहीं है। इस अजीबोगरीब टेस्ट का आर्मी में होने का कारण कड़क डिसिप्लिन है, जहां सोना, उठना, खाना, नहाना हर चीज बिल्कुल टाइम पर एक्यूरेट होती है। ऐसे में पाइल्स जैसे बीमारी से ग्रसित कैंडिडेट के लिए ये रूटीन फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है जिसकी वजह से उसे घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पहले टेस्ट के बाद बारी आती है वर्जिनिटी टेस्ट की। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हालांकि जितनी खुशी आपको ये जानकर होगी कि हमारे भारत में इस टेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, उतना दुख आपको ये भी जानकर होगा कि आज भी कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर लड़कियों को देश सेवा करने से पहले अपनी वर्जिनिटी साबित करनी पड़ती है। वही कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पहले ये कभी हुआ करता था मगर वहाँ पर मौजूद मानव अधिकार संगठन और फेमिनिस्ट ग्रुप के बदौलत ये परंपरा खत्म कर दी गई। इस कड़ी में सबसे पहला नाम इंडोनेशिया का आता है जहाँ कुछ साल पहले तक इंडोनेशिया की सेना में भर्ती होने वाली महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट और टू फिंगर टेस्ट हुआ करता था, लेकिन साल 2014 के दौरान हुई एक इन्वेस्टिगेशन के बाद इस प्रोसेस को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और ऐसा होना भी चाहिए। आखिर इस तरह का टेस्ट महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से पछाड़ी जो कर रहा है। यहाँ अच्छी बात ये है कि हमारे भारत में ऐसा कोई वर्जिनिटी टेस्ट नहीं होता, लेकिन महिला के वर्जाइन में किसी इन्फेक्शन या महिला कृत को पता लगाने के लिए उनका वर्जिनल टेस्ट जरूर होता है जो कि एक महिला गायनेकोलॉजिस्ट की निगरानी में किया जाता है। टेस्ट रिलेटेड टू अदर बॉडी पार्ट्स। ये टेस्ट शरीर के अन्य बाहरी अंगों के लिए किया जाता है। इसमें नोक नीस टेस्ट किए जाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं कैंडिडेट के घुटने आपस में टकराते तो नहीं है। ये टेस्ट भी काफी जरूरी होता है क्योंकि अगर गलती से भी किसी लड़की के घुटने आपस में टकराते होंगे तो वो भागने में असमर्थ रहेगी और दौड़ते समय वो गिर भी सकती है।
साथ में ये भी देखा जाता है कि कहीं लड़कियों के शरीर में किसी भी तरह का कोई दाग या जलने का निशान तो नहीं है, या फिर कहीं उसने कोई टैटू तो नहीं गुदवाया है। और फिर इसके बाद बारी आती है उस अंग की जिसके बगैर सब कुछ सुनसान है, यानी कि हमारी आँखों की। दोस्तों आर्मी में आँखों का एक्यूरेट होना काफी इम्पोर्टेंट होता है, वरना इसके बिना जवान दोस्तों और दुश्मनों में फर्क समझ ही नहीं सकता। और इसीलिए आई टेस्ट में आई साइट से लेकर उनके कलर डिफिशेंसी तक देखी जाती है और कहीं उन्हें कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं, और रेटिना और कॉर्निया टेस्ट भी किया जाता है। इसके अलावा कैंडिडेट का डेंटल और एंकल टेस्ट भी होता है। बस ये समझ लीजिए कि महिलाओं की वर्जिनिटी टेस्ट को छोड़कर उसके बॉडी के हर एक पार्ट की कायदा चेकिंग होती है और सब कुछ सही पाने पर ही उसे जंग के मैदान में खड़ा किया जाता है। धन्यवाद।